हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे UPSSSC में जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है जूनियर असिस्टेंट के पद पर, उसके नोटिफिकेशन के बारे में, LBT कंडीशंस के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में और फुल नोटिफिकेशन के बारे में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपकी जो ये वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या बोर्ड के थ्रू आपकी वैकेंसी आई है। अलग आप हम बात करें कौन से डिपार्टमेंट में आपकी क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, किस पद पर वैकेंसी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे ही UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, नोटिस बोर्ड में आपको यहाँ देखने को मिलेगा कनिष्ठ सहायक के लिए मुख्य परीक्षा के लिए आपकी जो रिक्रूटमेंट है उसका नोटिफिकेशन। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आगे चलने से पहले अभी भी आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये आपका नोटिस यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे आप आवेदन 21 नवंबर 2022 से आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी जो रहने वाली है आवेदन की, 14 दिसंबर 2022 तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और शुल्क जमा फीस जमा करने की 31 दिसंबर तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं। 14 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं और फीस जो जमा करने की तिथि है वो 21 दिसंबर यहाँ पे दी गई है फ्रेंड्स। तो अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2022 यहाँ की रहेगी। आपकी पीटेट जो कैंडिडेट पैट 2021 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे आपको करना होगा फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो कि जैसे ही फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके लिए भी हम आपको बता देंगे कैसे आवेदन करना है। तो अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से, OTP के रजिस्टर नंबर, ईमेल आईडी के OTP के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे डिटेल्स के बारे में, आपका जो यहाँ पे शुल्क रहेगा आवेदन का उसके बारे में। यहाँ पे टोटली आपका 25 रुपये ऑल कैटेगरी के लिए 25 रुपीज मात्र आपका यहाँ पे आवेदन शुल्क यहाँ पे रहने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे अपने डिटेल्स के बारे में, नंबर पदों के बारे में, आपके पदों के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जो विभाग है उत्तर प्रदेश का, उसमें कनिष्ठ सहायक के पद पर पे बैंड आपका यहाँ पे जो वेतन रहेगा 5200 बेसिक से 20200 का आपका वेतन रहता है। 5200 पे ग्रेड, 200 मैट्रिक लेवल का आपका लेवल 3 का वेतन रहेगा। 18 से 40 यहाँ पे एज आपका रखा गया है और यहाँ पे आपकी टोटल जो वैकेंसी है 1148 रहेंगे, अस्थायी आपकी ये वैकेंसी है यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय आपका उत्तर प्रदेश है, इस विभाग में भी कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी, पे बैंड आपका 5200 से 20200 का, 18 से 40 यहाँ पे आपका एज रखा गया है, 114 टोटल वैकेंसी और स्थायी आपकी परमानेंट वैकेंसी है यहाँ पे आपकी रहने वाली है, परमानेंट आपकी वैकेंसी रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके 1262 वैकेंसी टोटल रहेंगी और यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, और अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। क्षेत्रीय आरक्षण का विवरण स्पेशल कैरेक्टर कैटेगरी से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, जो कैंडिडेट विकलांग है, एक्स सर्विस मैन है, उनसे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे हैं, वो आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ इसमें आपकी योग्यता की बात करेंगे, योग्यता इसमें आप आपका माध्यमिक शिक्षा पर इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी में आपका 25 शब्द प्रति मिनट आपका होना चाहिए, 30 प्रति मिनट आपका होना चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और आपके पास COEACC सोसाइटी द्वारा प्रमाणित कंप्यूटर प्रचालन CCCCC प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात करेंगे आपकी आयु के बारे में, जो आपके यहाँ पे आयु रहने वाली है, यहाँ पे आपकी आयु मांगी गई है 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल आपको मांगी गई है। एज पर गवर्नमेंट स्कूल्स कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको छूट भी देखने को मिलेगी। चयन प्रतिक्रिया की बात करेंगे, आपका सिलेक्शन प्रोसेस केवल आपका लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पे होना वाला है फ्रेंड्स। जो प्रथम चरण आपका रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा रहेगी, 65 अंकों की आपकी परीक्षा रहेगी। विवरण के बारे में बात करेंगे, भाग फर्स्ट रहेगा हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता 60% रहेंगे, 30 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। सेकेंड भाग आपका रहेगा सामान्य बुद्धि परीक्षा का, यहाँ पे 30% रहेंगे, 15 अंक रहेंगे। थर्ड पार्ट जो आपका रहेगा सामान्य जानकारी का, 40% रहेंगे, 20 मार्क के रहेंगे। टोटल
टोटल 130% 65 मार्क के आपके यहाँ रहेंगे। 1 घंटा 30 मिनट का आपको यहाँ अवधि समय मिलेगा, एग्जामिनेशन पीरियड आपको यहाँ पे रहेगा। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 1/4 आपकी नेगेटिव, जैसे आपको यहाँ पे 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे आपका पूरा पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस डिटेल वाइज यहाँ पे दिया गया है, जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। 65 अंक आपके रिटर्न के यहाँ पे जुड़ेंगे। उसके बाद आपके योग्यता के, शैक्षिक क्वालिफिकेशन के यहाँ पे आपके नंबर जुड़ेंगे। जो कैंडिडेट इंटरमीडिएट यानी 12th में 60% से ऊपर जिनके अंक हैं, 60% और या तो 60% हैं और 60% अबव कितने भी हैं, उनको 20 अंक यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे। स्नातक अवधि जो यहाँ पे दी गई है, और जिन कैंडिडेटों को 45% या उससे ऊपर है उनको 15 अंक, और जिनके 33% या उससे ऊपर है उनको 10 अंक यहाँ पे मिलेंगे। स्नातक अवधि 60 से ऊपर है 10, 45 और 45 से ऊपर है 8, और 33 से ऊपर उनके लिए 5 यहाँ देखने को मिले। यदि आप स्पेशल, आपके पास यहाँ कोई खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपके पास सर्टिफिकेट है, यदि आप अभ्यर्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हो तो 5 अंक यहाँ आपको मिलेंगे, राष्ट्रीय स्तर के हो तो 4 मिलेंगे, राज्य स्तर के हो तो 3, और विद्यालय कॉलेज स्कूल के स्तर के हो तो 2 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। 65 अंक आपको रिटर्न के मिल जाएंगे, 30 अंक फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन के आधार पर मिल जाएंगे, और यहाँ पे खिलाड़ी यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो 5 अंक यहाँ पे, टोटल 35 अंक, टोटल 35 और 65, टोटल आपके यहाँ पे 100 अंक होंगे। इसके बेस पे आपकी मेरिट यहाँ पे तैयार होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दी गई है डिटेल्स को, यहाँ पे जो आपकी कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के जो आपके पद हैं विज्ञापन के, उनके 15 गुना कैंडिडेट आपके यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे, और उनका एग्जाम यहाँ पे करवाया जाएगा, और फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आप देखेंगे डिटेल्स या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं, और अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।